प्रिय शिक्षकों और साथियों, यूट्यूब चैनल योर इंटरनेट हेल्पर की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आया है जो NIS के रिजल्ट के लेकर, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जिनको AB या SYC या SYCT ऐसा कुछ दिखाया जा रहा था, उनके लिए NIS ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट जो पहले ही बता चुके हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। NIS की साइट को विजिट करने से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन देख पा रहे हैं सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने से आपको यहाँ पे पूरा जानकारी मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने तो आपको प्रीवियस वीडियो में ही इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि NIS आप लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे बताया गया है कि द फीस कैन बी डिपॉजिटेड टिल 10 सितंबर 2018। इफ फीस इज डिपॉजिटेड एंड द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड पास्ट, देन द फीस विल बी रिफंडेड। तो आपको यहाँ पे जानना होगा कि NIS ने 10 सितंबर तक यहाँ पे तो डेट को एक्सटेंड किया, लेकिन यहाँ पे एक बात सामने आया है कि उन्होंने बताया कि अगर किसी शिक्षकों ने फीस को डिपॉजिट कर दिया है और उनका रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है या रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, उससे आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट को अपडेट करके डिक्लेयर दिया जा रहा है। तो लगभग बहुत सारे शिक्षकों की रिजल्ट अपडेट होके आ रहा है, तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले कुछ यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, आपको यहाँ पे तो फीस रिफंड होना चाहिए, तो आप उस फीस को कैसे रिफंड करोगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे पूरे डिटेल्स देंगे कि आप अपना फीस जिसको NIS में आपने सबमिट कर लिया था। बहुत सारे शिक्षकों ने 7 सितंबर को देख के बहुत सारे शिक्षकों ने अपने फीस को डिपॉजिट कर दिया था, तो फीस को आप कैसे रिफंड करोगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शिक्षकों के रिजल्ट को अपडेट किया जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ द DLED एग्जामिनेशन हेल्ड इन May-June 2018। यहाँ पर आपको जाना होगा, यहाँ पर जाकर आपको एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ देकर यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने रिजल्ट को दोबारा चेक कर लेना चाहिए, ताकि आपका रिजल्ट NIS कोई अपडेट दे दे, तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते कि आपका रिजल्ट अपडेट हो गया है या नहीं। क्योंकि हर सभी शिक्षक जिनका लीगल प्रोसेस से और उनको इलीगल NIS ने अपने टेक्निकल एरर होने की वजह से AB या SYCT ऐसा कुछ दे दिया है, उनका अपडेट हो रहा है, तो आप यहाँ पे जाकर NIS के साइट में जाकर यहाँ पे अपने रिजल्ट को दोबारा चेक कर लीजिए और यहाँ से अपने रिजल्ट को अपडेट रिजल्ट को यहाँ से ढूंढ लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको NIS से कैसे अपने पैसे को रिफंड करना है उसी के लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे पूरे इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में वीडियो